मेरे पास 11:45 बजे करीब फ़ोन आया इनकी बेटी का, छोटी बेटी नोएडा रहती है, उनका फ़ोन आया कि भैया आप मम्मी पापा मेरा फ़ोन रिसीव नहीं कर रहे हैं, आधे घंटे होगा करते करते फ़ोन, आप जाए चल के देख लोगे या नंबर दे दो किसी पड़ोसी पड़ोसी का। मैंने कहा जी मेरे फ़ोन नंबर निकल गए मेरे में से, मैं जाकर देख लेता हूँ। मैंने कपड़े पहन के मैं आया, जैसे आया मैंने बेल बजाई, बेल पर कोई आवाज़ नहीं आई अंदर से। फिर मैंने खिड़की बजाई, खिड़की में अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई। फिर मैं विद्यालय का गेट खुला हुआ था, उसके बाद मैंने अंदर वाले दरवाजे के पास हाथ लगाया, गेट खुल गया, आंटी को मैंने पड़े देखा, मेरी चीख निकल गई अचानक। बाबूजी का नाम तो था अशोक जैदिका जी, आंटी का नाम था मधु जैदिका। गाजियाबाद पटेल नगर सेकंड में बुजुर्ग दंपत्ति हत्या मामले में एक नया मोड़ आया है। दरअसल पुलिस को पड़ोस के 3 मजदूरों की तलाश है। शराब की दुकान यानी कि मॉडल शॉप के ऊपर कमरे में रहा करते थे। दोहरे हत्याकांड के बाद से ही ये फरार हैं। इनके मोबाइल फोन स्विच ऑफ हैं। पुलिस को इनके चेहरे दंपत्ति के घर से मिले सीसीटीवी फुटेज में नजर आए हैं। इनकी तलाश में 3 टीमों को रवाना भी किया गया है। इनके मिलने पर खुलासा होने की बड़ी उम्मीद है। आपको बता दें कि मजदूरों के बारे में पुलिस को पता चला है कि इनका दंपत्ति के घर आना जाना था और शायद इसी वजह से मधु ने इनके लिए गेट खोल दिया था, वरना वो पहले जांच पड़ताल करने के बाद ही गेट खोला करती थी। आपको बता दें कि मॉडल शॉप अशोक जैदिका की उसी बिल्डिंग में चल रहा था जिसे उन्होंने किराए पर दे रखा था और इन मजदूरों को भी वहां पर शरण दी गई थी। इनसे किराया नहीं लिया जाता था, इसके बदले में ये मजदूर उनकी जरूरत का कुछ छोटा मोटा काम किया करते थे। माना जा रहा है कि या तो मजदूरों से दंपत्ति का कोई विवाद हुआ है जिसमें उन्होंने जान ले ली, या फिर उन्हें सुपारी देकर किसी ने हत्या करवाई है। मजदूरों को ये भी डर था कि उन्हें कोई पहचान न ले, इसलिए चेहरे पर उन्होंने गमछा डाला हुआ था, लेकिन फुटेज में कद काठी और हुलिये से इनकी पहचान हो गई है।